तो दोस्तों क्या हालचाल है आपके। बहुत सारी आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि रेनो ट्राइबर के ऊपर वीडियो बनाओ। पहले तो इसकी की देख लीजिए, बड़ी ही स्पेशल की है। इस तरह की अभी तक तो मैंने किसी इंडियन कार में नहीं देखी है और पीछे रेनो का लोगो मिल जाता है आपको। आज फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं इस गाड़ी का और बताने वाले हैं क्या ये वर्थ बाइंग है या फिर नहीं खरीदनी चाहिए, या सेवन सीटर के अंदर कितने प्राइस में मिलती है, क्या पावर है, क्या इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से गाड़ी का एक क्विक लुक दिखा देते हैं। ये गाड़ी हो रखी है थोड़ी गंदी क्योंकि बारिश पड़ी हुई थी, तो मैं गाड़ी जो शोरूम के अंदर खड़ी है उसका दिखाता हूँ। अगर दोस्तों लुक्स की बात करें तो एसयूवी लुक के लिए सामने स्किड प्लेट मिलती है, क्रोम फिनिश के साथ ग्रिल मिलती है और बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने लगेंगे और कोई भी फोग लैंप्स का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे दिए गए हैं इसमें डीआरएल्स जो कि फोग लैंप का भी काम करते हैं। दोस्तों साइड में क्लैडिंग्स दी गई है ब्लैक कलर की और साइड से लुक आप गाड़ी का देखिए, काफ़ी अच्छी लग रही है लुक्स वाइज तो। और यहाँ पे आपको 14 इंचीज़ के टायर मिल जाते हैं और ये अलॉय व्हील्स नहीं है, लग अलॉय व्हील्स जैसे रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये स्टील रिम है, इन पे व्हील कैप लगी हुई है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो कि ORVM में नहीं दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, साइड में इंडिकेटर है, ORVM में नहीं दिया गया। रेनो की ज़्यादातर गाड़ियों में इसी तरह इंडिकेटर, क्विड में भी इसी तरह ये लोग देते हैं। और दोस्तों इस गाड़ी की जो सबसे अच्छी मुझे खूबी लगी है वो इसकी एक यूटिलिटी है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताऊंगा दोस्तों जो अभी तक इंडिया में किसी गाड़ी में नहीं आई है। लेकिन अगर पीछे से लुक की बात करें तो रियर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है और डिफोगर भी मिल जाते हैं दोस्तों। ये वाइपर दिया गया है यहाँ पर। बूट ओपन करता हूँ और वो खूबी आप लोगों को बताता हूँ। बात करें अगर बूट स्पेस की तो यहाँ से देखने पे आपको 84 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन ये जो बैक वाली दोनों सीटें हैं इनको फोल्ड कर सकते हैं आप आगे की तरफ, और जो आगे वाली जो दोनों सीटें हैं उनको भी आगे झुका के काफ़ी सारा इसका बूट आप बना सकते हैं इसमें। लेकिन असली जो खूबी है वो मैं आपको बताऊँगा। जो ये सीट, एक तो ये सीटों की क्वालिटी बहुत हल्की है, यहाँ से ही देखिए ये सीट पीछे करता हूँ मैं और यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी। कैसी लगी यार ये सीटों की क्वालिटी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, इन सीटों को आप इसमें से खोल के रख सकते हैं अलग बिल्कुल, और पूरा जो आप इसके डिग्गी है वो बूट की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे ये झोले में भर के रखी जाती हैं भाई। तो दूसरी गाड़ी की इन्होंने सीटें खोली रखी हैं, ये देखिए कैसे बैग के अंदर झोला अच्छा लगता है बैग, कमेंट जरूर करना यार। बैग के अंदर रख सकते हैं और इतना सारा आप लोगों को बूट स्पेस इसमें मिल जाता है। अगर 5-5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आप इसमें लगभग 625 लीटर तक बूट में सामान रख सकते हैं, और अब भी जगह है, आप आगे वाली भी 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं दोस्तों। तो यूटिलिटी ये है दोस्तों, आप इस गाड़ी को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं जैसा भी चाहें। यहाँ पर देखिए रियर कैमरा भी दिया गया है। बैक लुक की बात करते हैं दोस्तों, तो जो इसके जो बैक लाइट है ये पूरी LED है और ईगल बैक इसको रेनो बोलती है, यानी कि चील की चोंच की तरह से ये टेल लैंप इसके बनाए गए हैं। और ये ऊपर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे रूफ रेल्स, और साइड से पूरा लुक देख लीजिए। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं और आपको टर्न इंडिकेटर कोई भी ORVM में नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पर साइड में दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अंदर से बता देता हूँ इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा दिखाई देता है वो आपको दिखाता हूँ इधर से। ये देखिए, अगर मैं रेव करता हूँ इंजन को तो ये आपको RPM मीटर इधर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, और साथ में आपका कूल एंड हॉट वाला साइन, और यहाँ पे इसमें भी फ्यूल बिल्कुल कम है। और ये है इसका टच स्क्रीन सिस्टम जो कि है लगभग 8 इंच का, और वॉइस असिस्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे मीडिया। अभी हालांकि कुछ भी इसके अंदर नहीं है भाई, सेटिंग वगैरह एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपका AC यूनिट है, आप हॉट एंड कूल कर सकते हैं, मैनुअल AC मिलेगा आपको, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और कूलिंग थोड़ी ठीक सी लग रही है यार। और इधर आपको ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पे थोड़ी जगह मिल जाती है, और नीचे वाले ग्लव बॉक्स में आपको काफी यूटिलिटी के लिए चीजें दी गई हैं। आप अगर देखेंगे यहाँ पे सामान रख सकते हैं, और दोस्तों इधर भी सामान रख सकते हैं, और ये आपको मिलता है कूल्ड ग्लव बॉक्स। यहाँ पे AC का वेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। बात करें दोस्तों बाकी के फीचर्स की, तो बाकी के फीचर्स में आपको मिल जाता है इसमें डे नाइट वाला जो मैनुअल है, IRVM, और यहाँ पे रीडिंग लैंप मिल जाते हैं, और यहाँ पे सनवाइजर में आपको मिलते हैं
वैनिटी मिरर्स। दोस्तों सेफ्टी की बात करें तो ABS, दो एयरबैग और चार एयरबैग वाला ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे एक और बॉक्स दिया गया है जिस जो कि कोल्ड ही है, इसमें भी आप अपनी पानी वगैरह की बोतल, कैन या फिर बियर वगैरह अपनी ठंडी कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिखेगा नहीं AC वेंट, और इसको आप बंद भी कर सकते हैं। आप इसे कूल रखना चाहते हैं तो कूल कर सकते हैं, बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं, और ये इस तरीके से बंद हो जाता है। दो ग्लास होल्डर और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी। ये इनका रिमोट रखा हुआ है जो कि बड़ी ही यूनिक है, और यहाँ पर USB पोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों हाइट एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील है और कोई भी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। दोस्तों प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी दी गई है, फिट एंड फिनिश सही लग रही है गाड़ी की, और ये यहाँ पे एक सॉफ्ट टच कपड़े टाइप का कुछ फॉर्म लगाया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील कराता है गाड़ी में। दोस्तों बैक सीट पे चलते हैं और क्या क्या फीचर पीछे मिलते हैं, कितना स्पेस मिलता है, सारी बातें करते हैं। और यहाँ पर आपको पिलर्स में AC वेंट्स मिल जाएंगे जिनसे कि एयर फ्लो काफ़ी अच्छा आता है पीछे की तरफ भी। दोस्तों आगे वाली जो सीट है मैंने लगभग पूरी पीछे की हुई है और मैं आराम से बैठ सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई यार, सीट तो ठीक है लेकिन जो इन्होंने दिया है भाई, यहाँ पे आप ये देखिए हेड रेस्ट भी मेरा कहाँ पे आके टकरा रहा है। बहुत ही छोटी छोटी सी सीटें लग रही हैं यार, हालांकि इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं, नहीं भाई एडजस्ट भी नहीं होंगी, एडजस्टेबल भी नहीं है सीटें। और बंदों की बात करें तो यहाँ पे तीन लोग मुझे तो मुश्किल लगता है बैठने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड सी छोटी सी गाड़ी कर दी है। बिल्कुल चकोर आपको डिज़ाइन मिलेगा इसका जो विंडो का है, इधर भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और पीछे के दरवाजे में आपको यहाँ एक और ग्लास होल्डर, बोतल होल्डर मिल जाएगा। और अगर बात करते हैं पीछे वाली सीट पर बैठने की, तो यहाँ पे मैं अपने भाई को बोलता हूँ एक बार पीछे जाके बैठने के लिए। इसकी भी हाइट लगभग 6 फीट्स है, और पीछे नहीं बैठ सकते यार, काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड सा। बच्चों के लिए आराम से इसमें फिट हो सकते हैं बच्चे, और इसका तो ज़्यादा यूज़ जो है वो फोल्ड करके अपना बूट स्पेस ही यूज़ करेंगे तो ही ज़्यादा रहेगा। हेडरूम भी एडिक्वेट है यार, दोस्तों तीन लोग नहीं बैठ सकते इस गाड़ी में पीछे वाली सीट पे, बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। हाँ यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट ज़रूर आप लोगों को मिल जाता है 12 वोल्ट का। तो दोस्तों मैं अपनी राय दूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि इस गाड़ी के अंदर चार लोग आगे वाली सीटों पर बैठ सकते हैं और दो या तीन बच्चे पीछे आराम से फिट हो सकते हैं, लेकिन पीछे वाली सीट पर बड़े कोई एडल्ट्स नहीं बैठ सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों इस गाड़ी के इंजन की, तो 1000 CC का पेट्रोल इंजन आता है जो कि 3 सिलेंडर इंजन है, और लगभग 72 PS की पावर जनरेट करता है, और आपको माइलेज कहीं ना कहीं निकाल के देता है। कंपनी तो बताती है 20 का देगी, लेकिन मुझे लगता है ये 15-16 का माइलेज आराम से निकाल दिया करेगी। बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों कुछ खास मुझे लगी नहीं है इस गाड़ी की, बहुत हल्की सी मेटल सीट है। तो दोस्तों ये थी रेनो ट्राइबर के ऊपर मेरी एक वीडियो, जल्दी ही इसको चला के दिखाने वाला हूँ। फिलहाल तो मुझे बहुत ज्यादा जगह नहीं लगी है गाड़ी में, लेकिन जिस प्राइस सेगमेंट में आती है, आपको क्या लगता है ये अच्छे नंबर्स में सेल होगी या नहीं? और बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और ठीक हो सकती थी। 1000 CC का इंजन है, 73 PS की पावर जनरेट करता है, और माइलेज के बारे में मैं आपको बता दूं तो माइलेज आराम से 15-16-17 तक निकाल के दे सकती है, पेट्रोल के ऊपर, वो चलाने के ऊपर बात है। आपको कैसी लगी ये गाड़ी कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों इसी के साथ गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।